टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के बारे में आज पढ़ेंगे। ए पिन होल कैमरा फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और एक पिन होल कैमरा की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम उसको देख सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के माध्यम से हम प्रिंसिपल जानेंगे इसका। पिन होल कैमरा इज अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस एंड विद अ सिंगल स्मॉल अपर्चर। और पिन होल कैमरा एक सिंपल कैमरा है, इसमें कोई लेंस यूज़ नहीं होगा, इसमें एक छोटा सा छेद किया जाएगा। इट इज़ एन ओपेक बॉक्स, और ये एक ओपेक्स बॉक्स इसको हम बनाएंगे विद अ टाइनी होल, और हम इसमें एक छोटा सा छेद करेंगे इन द सेंटर ऑफ इट्स फेस, उसके एक फेस पे। व्हेन रेज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द पिन होल कैमरा दे फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन। जब रे ऑफ लाइट क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर पिन होल कैमरा की वजह से अगर पास होगा तब वो इन्वर्टेड रे फॉर्म करेगा किसी भी स्क्रीन पे। देखिए ये जो आपका बॉक्स है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन इसको कैसे किया गया है। टेक अ क्यूबिकल कार्टून बॉक्स क्लोज्ड एट ऑल द साइड्स एक्सेप्ट वन, है ना। एक आप कार्टून लेंगे, चारों साइड्स उसको ब्लॉक कर देंगे, बट हाँ एक साइड छोड़ देंगे आप, उसे ब्लॉक नहीं करेंगे, वो भी ब्लैक पेपर से। कवर द ओपन साइड विथ अ बटर शीट यूजिंग सेलो टेप। और क्या करेंगे आप, तीन साइड आप ब्लैक साइड्स ब्लैक पेपर से उसको कवर करेंगे, एक साइड पे वाइट पेपर से यानी बटर पेपर से। दिस इज़ द स्क्रीन, वो आपका स्क्रीन हो जाएगा ये वाला साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका स्क्रीन, ठीक है। मैनी मेक अ टाइनी होल, आप छोटा सा छेद करेंगे इस वाले साइड में, ठीक है। ऑन द साइड अपोजिट टू द बटर पेपर एंड कवर इट इन यूजिंग अ ब्लैक टेप। पियर्स द टेप विथ अ वेरी फाइन टेप, अच्छे से लगाएंगे, शार्प निडल, द कैमरा इज रेडी। आपका जो कैमरा है वो रेडी हो जाएगा। तो वर्किंग कैसे होगा, द प्लेस द पिन होल कैमरा इज फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। हम यहाँ से देखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट अंदर में होगा, ठीक है, वो आपको ईजिली दिखेगा। द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन टू द पिन होल कैमरा फ्रॉम टू पॉइंट पी एन क्यू इन ए स्ट्रेट लाइन। क्यों, स्ट्रेट लाइन की वजह से जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, चाहे वो जैसा भी ऑब्जेक्ट, वो आर इजीली आपको दिखेगा। इन ए स्ट्रेट लाइन एंड फॉर्म स्मॉल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एन एस ऑन द स्क्रीन, देन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे टुवर्ड द होल, द साइज ऑफ द इमेज चेंजेस। और आप देखेंगे कि इमेज जो है वो आपका चेंज होता हुआ दिखेगा जब आप इसको पिन होल कैमरा से देखेंगे इस बॉक्स के यहाँ से। एडवांटेजेस क्या है पिन होल कैमरा के, ये पिन होल कैमरा हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। कैसे, नो फोकस, यहाँ पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक छेद है, एक छेद आराम से आप इसको इजीली देखेंगे यहाँ से। देर इज़ नो लेंस, यहाँ पे लेंस है ही नहीं इन अ पिन होल कैमरा, देयर फोर द इमेज इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एबर्शन। डिसएडवांटेज ऑफ पिन होल कैमरा का क्या है, ये पिन होल कैमरा हैज़ अ फॉलोइंग डिसएडवांटेज जो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड डज नॉट गिव एनी डिटेल, जो इमेज फॉर्म होगा कोई भी डिटेल आपको नहीं प्रोवाइड करेगा यूजिंग द इमेजेस एज ए, क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा साफ नहीं होगा। द इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, आपको इमेज दिखेगा बट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। थर्ड, अ पिन होल कैमरा कैन नॉट बी यूज फॉर स्टडिंग मूविंग ऑब्जेक्ट, आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। और हम आगे देखेंगे जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, जो लाइट क्या होता है बाउंस कर रहा है किसी भी सरफेस पे, जिसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेल्प अस टू सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस, और रिफ्लेक्शंस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को अपनी चारों ओर आज़ाद इजीली देख पाते हैं। द रे ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, जब रे ऑफ लाइट क्या करता है किसी भी सरफेस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, हम तब इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जैसे एक आपका सरफेस है, ये रे है, ये रे एक ऑब्जेक्ट पे पड़ा, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। एंड द रे ऑफ द लाइट दैट कम्स बैक, और दोबारा ये बैक आ जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। कम्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको रिफ्लेक्टेड रे। हम आगे जानेंगे डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट बाय अ सरफेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट डिपेंड करता है आपका किस तरह का सरफेस है। अगर रफ सरफेस होगा तो हम इसको इरेगुलर सरफेस भी बोल सकते हैं, इसको डिफ्यूजन सरफेस भी बोल सकते हैं। रिफ्लेक्ट द पैरेलल बीम,
वहाँ पे लाइट क्या होगा, पैरेलल तो जाएगा सारे डायरेक्शन में, पर वो फैलेगा। ये देखिए आपका बना हुआ है, ये आपके पास ये रे तो बना हुआ है ना, पर ये है क्या, चारों डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे डिफ्यूज डायरेक्शन। रिफ्लेक्ट द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट इन ऑल डायरेक्शन, दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ए स्मूथ सरफेस, अगर ये स्मूथ सरफेस है, पर हाईली स्मूथ सरफेस है, सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो ये रे पास हो रहा है एक ही डायरेक्शन में बीम ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। थैंक यू, थैंक्स लॉट, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।